हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है मेरा होली वाला व्लॉग। इस व्लॉग में आपको होली का दहन और धुलैंडी, जो रंग वाली होली होती है, उन दोनों दिनों का कंपाइलेशन मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों ही दिन को इसमें ऐड किया है। आई होप आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी रही होगी ये साल की। मेरी जैसी भी रही, आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अपना होली का प्लांट एडिशन, जो कि मैं लेकर के आई थी। ये वाली कलर्स के जो वैरायटीज़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है और ट्रेंडी हैं। बहुत अच्छे वाइब्रेंट कलर्स इन वाले फ्लावर्स में होते हैं, तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ ले आई थी प्लांट्स इनमें से। और यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, शाम के वक्त, क्योंकि होलिका दहन का प्रोग्राम भी है छोटा सा, तो मैं फटाफट से लंच बना लूँगी। और रात में भी मैं इसी को जो लेफ़्ट ओवर है यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पालक को ब्लांच कर रही हूँ। ब्लांच करना बहुत ईजी होता है। उबलते हुए पानी में आप पालक को धो करके साफ़ करके उसमें डाल दें और 2-3 मिनट के लिए रखें और उसके बाद उसे निकाल दें। तो इससे अच्छी तरीके से पालक जो है ब्लांच हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी में ना रखें, अदरवाइज़ इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर अगर आपको अच्छा सा ग्रीन ही रखना है तो उसको 2-3 मिनट ही आप रखें। तो यहाँ पे मैं पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं पालक पनीर बनाऊँगी आज। तो पालक देखिए मेरा 2-3 मिनट में ही अच्छे से ब्लांच हो गया है और कलर भी इसका बिल्कुल चेंज नहीं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या दो आपका जो पालक है वो बहुत फ्रेश हो एकदम, और दूसरा कि आपने इसको ज़्यादा पकाया ना हो, तो आपका कलर जो है ये अच्छा सा ग्रीन इसमें रहता ही है। तो पालक को मैंने स्ट्रेन कर लिया है यहाँ पे और ठंडा होने के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी। थोड़ा सा फैला रही हूँ मैं इसको स्ट्रेनर के अंदर ही, ताकि जो इसका स्टीम है वो अच्छे से निकल जाए और फटाफट से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं फटाफट से लंच बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बाकी भी काम है। और ये बचा हुआ पानी है जो ब्लांच करने के बाद मिला है, तो इसमें मैं आटा लगाऊंगी और ग्रेवी में यूज़ करने वाली हूँ इस पानी को। तो आप भी अगर इस तरीके से पालक पनीर बनाएं तो इस पानी को वेस्ट ना करें बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने पालक ठंडा होने रख दिया है। और इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट का पाउडर, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। किड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके ग्रोइंग एज में। तो कुछ हैंडफुल कैश्यूज़ लिए हैं मैंने, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं इन्हें। हल्का सा ब्राउन कलर ही आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें उतार दें। काजू बहुत डेलिकेट होते हैं, अगर आप ज़्यादा इनको फ्लेम पे रखेंगे तो एकदम जल जाते हैं और अपना टेस्ट भी चेंज कर देते हैं। तो हल्का सा ही इनको ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने ये लिए हैं हैंडफुल ही वाटरमेलन सीड्स हैं ये। इसको भी मैं हल्का सा टोस्ट कर रही हूँ, ज़रा सा ही करना है। इसमें चटकने की आवाज़ आती है, उसके बाद ही आप इसको तुरंत उतार लें, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम तक रखने से फ्लेम में ये हल्के से कड़वे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हैंडफुल ही आलमंड्स लिए हैं, बादाम, इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। घी में मैं नहीं भून रही हूँ इनको, क्योंकि मैं इनको स्टोर करूँगी 1 हफ्ते के लिए। तो अगर आप इनको घी में भून रहे हैं तो घी का थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है कुछ टाइम तक, अगर आप उसे स्टोर कर दें तो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट करूँगी इन्हें और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ये ठंडे होंगे मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। फिलहाल मैं इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और एक ग्रीन चिली भी आपको इसमें दिख रही होगी। और उसके बाद मैंने डाला है गार्लिक के क्लोव्स हैं ये 2-3, जिनको मैंने बीच में से स्लिट कर दिया है, और 2 ड्राई रेड चिलीज़ हैं। तो ये वाला जो मसाला मैं तैयार कर रही हूँ पालक पनीर के लिए कर रही हूँ। हल्का सा मैं इनको रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें 2 अनियन डाल दी हैं लेंथ वाइज काट करके। अनियन का बस हल्का सा रॉ फ्लेवर ही जाना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पका हुआ ये मसाला मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने टमाटोज़ ऐड किए हैं, ये 2 टमाटोज़ हैं जिनको मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। इनके गलने तक मैं वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसे उतार लूँगी। कुछ भी सॉल्ट या कोई भी तरीके का मसाला मैं यहाँ पर अभी नहीं डाल रही हूँ।
उसके बाद मसाला वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनने रख दिया है। उसी बीच में मेरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं थोड़ा सा ठंडे हो गए थे, ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करने का तरीका ये है कि आप उसको कुछ सेकंड्स की पल्स दे करके ही इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ग्राइंड करें जैसे मैं कर रही हूँ। एक ही पल्स में अगर आप इसको करेंगे तो सारा का सारा जो ड्राई फ्रूट्स का ऑयल है वो बाहर निकल आएगा, और इससे आपका जो पाउडर है वो बिल्कुल ऐसा खुश्क सा नहीं बनेगा, जैसे अलग अलग होता है, फ्लफी सा नहीं बनेगा, एकदम चिपक जाएगा वो। तो ये मेरा ग्राइंड हो गया है, मैंने 3 पल्स दिए थे अभी, और उसके बाद ही मेरा अच्छे से देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया है। ये वाला पाउडर जो है ड्राई फ्रूट्स का बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ग्रोइंग एज में हैं, तो आप उन्हें ये ज़रूर दें। विंटर्स में तो मस्ट हैव है, ज़रूर दें। इसके अंदर आप डाल सकते हैं अखरोट, इसके अलावा आप डाल सकते हैं जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालना चाहें, कैशू आप डाल सकते हैं, आप इसके अंदर पिस्टैशूज डाल सकते हैं। तो जो भी आपका बच्चा खाए, आपके बच्चे को अच्छा टेस्ट लगे, आप वो डालें, और इस तरीके से ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर है ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा पाउडर था वो मैंने ठंडा कर लिया था अच्छे से, और ये है वो जार जिसको मैं पहले से यूज़ कर रही थी। इसको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो ये मेरा ख़त्म ही हो रहा था, इसलिए मैंने ये अभी इस पॉइंट पर बना लिया था फटाफट से, ताकि मैं इसको आगे सर्विंग कर सकूँ बेटी के लिए। और मैं इसको सर्व कैसे करती हूँ, मैंने ये बनाया है ओट मील। तो 1 कटोरी ओट मील है ये, दूध में बनाया है मैंने, और इसमें ये 1 चम्मच मैं ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कर दूंगी। बस मिक्स करना है इसको, और मैं बेटी को इसी तरीके से खिला देती हूँ। तो कभी सेवैयाँ बना दिया, ओट मील बना दिया, दलिया बना दिया, और या फिर हलवा वगैरह आप बना रहे हैं तो बच्चों को इस तरीके से मिला करके दे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। उधर ही मेरा मसाला भी ठंडा हो गया था, तो ये मसाला मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और ये पालक जो मैंने ब्लांच किया था ये भी मेरा ठंडा हो गया था, इसको मैंने डाल दिया है मसाले के साथ ही, और थोड़ा सा पानी जो मैंने ब्लांच करते समय निकाला था वो डाल दिया है। और ये देखिए ग्राइंड करने के बाद इस तरीके का टेक्सचर जो है ये ग्रेवी में आ गया है, और कलर देखिए अभी भी बिल्कुल ग्रीन है, जो डार्क सा हो जाता है ना बिल्कुल वैसा नहीं है। और साथ ही मैं यहाँ पे पनीर के भी क्यूब्स काट लूँगी फटाफट से। और क्यूब मैं कैसे करूँगी, फ़िलहाल मैं यहाँ पे इनको 3-4 पीसेस में ही कट कर रही हूँ। मोटाई आप देख लीजिए, इसी तरीके की मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको हल्का सा सॉटे करने वाली हूँ। तो ये वो कढ़ाई है जिसमें मैंने अभी भी मसाला बनाया था, इसी में मैं ये सारे के सारे पीसेस को इस तरीके से एडजस्ट करके रख दूँगी, और मुझे इनको दोनों तरफ से टॉस करना है। तो थोड़ा सा क्रस्टी होने तक एक तरफ से भून रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको पलट दिया था, तो हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा क्रस्ट आ जाएगा। मोटाई इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर पनीर को ज़्यादा आपने कुक कर दिया और उसके स्लाइसेस थोड़ा सा थिन है, तो पनीर जो है ज़्यादा कुक हो जाता है और थोड़ा सा चूई हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता। तो अगर आप थोड़ा सा उसको मोटा स्लाइस में देंगे तो वो एकदम से चूई नहीं होगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। सो पनीर मैंने वहाँ पे जो है ठंडा होने रख दिया था, मुझे क्यूब्स काटने हैं फिर उसके। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, उसके बाद ही डाला है 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा किचन किंग पाउडर मैंने डाला है। हल्का सा ही टॉस किया है इस मसाले को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अदरवाइज़ ये मसाले इस तरीके से जल जाते हैं। तो बहुत ही लो फ्लेम पे आप ये मसालों को आप रोस्ट करिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें ग्रेवी को शामिल कर दिया है, मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जो ब्लेंडर जार में मैंने इसको पीसा था अभी, उसी को बस रिंस करके मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर इसको और ज़्यादा रनी टेक्सचर में देना है तो पानी में वही वाला यूज़ करूँगी जो मैंने अभी ब्लांच करते समय निकाला था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट तो करती नहीं हूँ। ब्लांच करने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ रह जाती हैं, तो आप उसे दाल में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी बना रहे हैं ग्रेवी वाली उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है अभी, और उसके बाद मिक्स करके मैंने इसको उबाल आने के लिए रख दिया था। तो 2-3 उबाल आने के बाद ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि पहले से ही पका हुआ ही है, तो ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी इसको। पनीर के क्यूब्स मैंने काट लिए थे, शामिल कर दिए हैं इसमें, और बस ऊपर नीचे करके मैं इसको थोड़ा सा मिला दूंगी। 1 बॉईल आने के बाद बस फ्लेम जो है बंद कर दूंगी।
उससे पहले बस फाइनल टच देना है इसको। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम, और ये जो है ये एक्चुअली में क्रीम नहीं है, ये फ्रेश क्रीम है मेरी, दूध की मलाई, जिसको मैंने फेंट लिया था क्रीम का टेक्सचर ही दे करके, उसके बाद मैंने इसको ऊपर से सर्व कर दिया था। और ये है हमारी आज की लंच प्लेट। तो पालक पनीर बना था तो मैंने सोचा चलो तंदूरी रोटी बना ली जाए, सब्जी अच्छी बनी हो तो रोटी जो है वो मैंने सोचा तंदूरी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेट जो है हस्बैंड की लगा दी है, टेस्टी सा पालक पनीर और तंदूरी रोटी। और यहाँ पे बिटिया को मैंने थोड़ा सा देखे कटोरी में ये दिया था पालक पनीर, और एक कैरेट के साथ ही उसने वो पूरी कटोरी जो है वो चाट डाली। और हालत अभी मैडम की देखो ऐसी हो गई है, मतलब मैंने इसको थोड़ा 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 करके दे रही थी ऐसे ही, और ये पूरा फिनिश करके फिर ला रही थी, फिर थोड़ा मांग रही थी, फिर खा रही थी। तो इस तरीके से खा लेती है ये, इसको पालक पनीर अच्छा लगता है, बेटे को भी पालक पनीर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है शाम का टाइम, होलिका दहन से 2-3 घंटे पहले का टाइम है। यहाँ पे थोड़ी अरेंजमेंट्स कर रहे थे हम लोग म्यूज़िक के लिए, और ये हमारी होलिका है 2023 की, हमारे घर के सामने ही लगी है इस बार, तो बच्चों का सारा अरेंजमेंट था ये। ये जो आप देख रहे हैं ईंटों से इन्होंने जो बना रखा है यहाँ पे खड़े रहने के लिए, ये सारा बच्चों का ही अरेंजमेंट है। इवन थोड़ा सा स्नैकिंग वगैरह जो था पार्टी का वो भी बच्चों ने ही अरेंज किया था। और इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने होली के लिए क्या क्या स्नैक्स तैयार किए हैं। तो ये हैं सबसे पहले होली स्पेशल गुजिया, मावा और सूजी की गुजिया है ये, मैंने मिक्सी बनाई थी। और आई एम सो सॉरी, मैंने कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है इस बारी, बिकॉज़ मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, तो जितना भी जो भी बन पाया वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मुट्ठी वाली मठियाँ, मेथी वाली है ये, मेथी और अजवाइन की। और ये ऊपर जो लंबी वाली मटर जिसको बोलते हैं ना, वो वाली मठरी है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे भाकरवड़ी भी बनाई थी इस बार, फर्स्ट टाइम बनाई मैंने ये, अच्छी बनी थी, हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। लास्ट टाइम मेरी दीदी ने बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी बना के देखती हूँ एक बार, अच्छी बनी थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा था इनका। और ये वाला जो है ये मेरे हस्बैंड की कारिस्तानी है। तो थोड़ा सा जो भी डो बचा था उन्होंने ये कुछ पैकेट जैसा बना दिया था उसका, पर खाने में काफ़ी अच्छा था, मेरे बेटे ने ही खाया है खुश होकर के। तो इस तरीके के काम वो करते हैं किचन में आकर के। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, होलिका दहन का टाइम था ये, हम होली जला रहे थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इधर आप देख सकते हैं बच्चे बच्चे सब यहाँ पे जमा है, और इस तरफ आप अगर देखेंगे तो सारी लेडी पार्टी वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सारी लेडी बटालियन। ये होली का जलने के बाद फिर हमने काफ़ी डांस वांस भी किया था, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि डांस ही करने में लोग इतना बिजी थे तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो बस ये यहाँ पे थोड़ा सा गुलाल लगाते ही हैं हर कहीं कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा ही इसी टाइम की होली खेली जाती है रात में, तो हमने तो बस थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेलिटीज को वहाँ पे किया था। खाना वाना हम लोगों का हो चुका था, डिनर करने के बाद ही सारा जो फंक्शन था किया था हम लोगों ने, क्योंकि टाइम ही नहीं बचे थे। चलो तुम मेरी वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। अरेंजमेंट था तो यहाँ तक था मेरा होलिका दहन वाला जो दिन था। और इट इज़ जस्ट नेक्स्ट डे, जिस दिन रंग वाली होली थी, और यहाँ पे जो है मैं पकोड़े बना दिए थे मैंने सुबह सुबह, बिल्कुल मिक्स वाले जो होते हैं, आलू प्याज हरी मिर्च पालक और गोभी के पकोड़े। और यहाँ देखिए हलवाई, थोड़ी बहुत रंग की फॉर्मेलिटीज़ सुबह ही सुबह हो गई थी हमारी, और उसके बाद मैं तुरंत ही किचन में बस लग गई थी, अदरवाइज़ काफ़ी लेट हो जाता है। फिर होली खेलने का टाइम हो जाता है ना, तो सब लोग आते रहते हैं, तो किचन में रहना फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सुबह ही सबके लिए नाश्ता बना दिया था। और यहाँ पे पापा और मोहल्ले में होली खेलने के बाद फिर मैं पापा के यहाँ चली गई थी। तो ये मेरे मायके की तरफ की होली है,
तो वहाँ पे तो काफ़ी देर तक रुके थे हम, 1-1.5 घंटा। होली खेलने के बाद फिर घर भी आए थे, नहाने धोने के बाद फिर गया तो मजा नहीं आता। होली का तो मतलब ही यही है, चाट पकोड़े, खट्टा मीठा, गोलगप्पे, डांस, यही सब अच्छा लगता है होली में। और उसके बाद देखिए ये लंच में जो था, मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बट हाँ ये चाट है जो हमारी बहू रानी के हाथ की है। पिछली बार भी बनाई थी उसने चाट, और इस बार भी चाट रखी थी। गोलगप्पे भी थे, गोलगप्पे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट यस ये रिकॉर्ड जो किया था हस्बैंड ने किया था। तो ये चाट बहुत टेस्टी बनी थी, लास्ट टाइम वाली भी बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ चाट खाई थी मैंने, और बाकी लंच में छोले चावल थे तो वो मैं नहीं खा पाई थी। और यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो रहा है, और बिटिया रानी को देखो अपनी डॉली के साथ जो है वो खूब गप्पे वप्पे मारने में, पूरे दिन होली खेल के थक गई इतना, और डॉली से बिल्कुल बात नहीं कर पाई, तो अब डॉली के साथ वो सारी गप्पियाँ मार रही है कि आज क्या क्या हुआ पूरे दिन भर। तो ये डॉल उसको बहुत पसंद है, कभी भी दे दो तो वो खूब इसको हग करके बैठ जाती है। और यहाँ पे उसके टेडी बियर्स की दुकान लगी हुई है, आधी डाइनिंग टेबल घिरी हुई है। सो यस, यही था मेरा होली व्लॉग 2023। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों की होली भी काफ़ी अच्छी रही होगी। कैसी रही मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा, रेसिपीज़ वगैरह, स्नैक्स की रेसिपी तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, बट पालक पनीर रेसिपी या कुछ एक्टिविटीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, बिगनिंग है मेरे चैनल की, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट्स कम्प्लीटली फ्री। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।